नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है लॉकडाउन को लेकर। लग गया है लॉकडाउन, आखिर जिसका डर था वही हुआ। अचानक से कोरोना वायरस विस्फोट हो गया है, देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है। बस सेवा, साथ ही ट्रेन, मेट्रो ट्रेन सब कुछ बंद है। स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस ने भव्या रूप धारण कर लिया है। भारत के अंदर भी दोस्तों प्रतिबंध लग गए हैं, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। चीन समेत दुनिया कई देशों में कोरोना की बेकाबू रफ्तार चल रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दोस्तों महामारी की स्थिति की आज समीक्षा की है और सख्त आदेश दिए हैं। इन सब के बीच में देश के हवाई अड्डों पर आज COVID-19 के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रेंडम सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं और शुरू हो गई है। मनीष तिवारी ने चीन में COVID-19 की भयानक स्थिति को देखते हुए कहा कि केंद्र सरकार को चीन से आने वाली सभी उड़ानों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। अमेरिकी, जापान और दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए दोस्तों यहां की उड़ानों पर जल्द ही प्रतिबंध लग सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। उधर दोस्तों भारत में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सख्त आदेश दिए हैं। उधर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बुधवार को राज्य में COVID-19 की तैयारियों की समीक्षा की है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी आगमन की जाँच बढ़ाने के सख्त आदेश दिए हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं। समय कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है, चीन में सब कुछ बंद हो गया है और भारत के अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।